ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै इष्टदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदाय ते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशः गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चनगौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द बल हरे कृष्ण 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 हरि हरे हरे राम 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 बल हरे कृष्ण 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 हरि हरे हरे राम 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 हरि हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितिल्ला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर सदय श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितिल्ला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर सदय श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाचित प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गत कल हम लोग श्रवण कर रहे थे कलयुग में श्रीमान चैतन्य महाप्रभु रूप में आकर के भगवान जगत में हरि नाम प्रदान करेंगे, जगत में हरि भक्ति को प्रचार करेंगे। और अगर जगत में कोई किसको ध्यान करनी चाहिए तो ध्येय वस्तु एकमात्र ही चैतन्य महाप्रभु। ऐसे जो महापुरुष है, हैं ऐसे जो महापुरुष है जिनके चरण को ब्रह्मा शंकर भी जिनके चरण कमल को वंदना करेंगे, ऐसे जो महापुरुष है। महापुरुष क्यों बताए, बोले यद्यपि वो कृष्ण है लेकिन कलयुग में साधु मिलना बड़ा कठिन है, इसलिए भगवान स्वयं एक साधु का रूप धारण करते हुए साधुओं का जीवन चरित्र कैसे होनी चाहिए महाप्रभु एक आदर्श रूप में जगत को उन्होंने दिखाया। इसलिए कल हम लोग श्रवण कर रहे थे ऐसे जो महापुरुष श्री चैतन्य महाप्रभु, हम सबके सब उनके चरण कमल को वंदना करते हैं। बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की, बोले श्रीमान चैतन्य महाप्रभु की। उसके बाद में और एक श्लोक कहते हैं, बोले त्यक्त्वा सुदुस्तज सुरस्मित राज लक्ष्मी धर्मिष्ट अर्ज वचसा जदगादरण्यम माया मृगम दयित ईप्सित मन्वधावत वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। ये श्लोक में भी चैतन्य महाप्रभु को
वंदे महापुरुष ते चरणार विंदम। ऐसे श्री महापुरुष को चरण कमल को हम वंदना करते हैं, क्योंकि उनको बताया त्रिजुगी। त्रिजुगी क्यों बताया? बोले ये सत्य त्रेता और द्वापर युग में आएंगे, लेकिन कलिजुग का उल्लेख नहीं। कारण क्या? बोले कारण है श्री चैतन्य महाप्रभु का जो अवतार है, ये प्रच्छन्न रूप में आएंगे, छुप करके महाप्रभु लीला करेंगे। हैं, जैसे महाप्रभु ने तीन कितना बार उन्होंने अपना ऐश्वर्य को उन्होंने दिखाया, किसको किसको दिखाया? बोले श्री तैथक विप्र को उन्होंने अष्टभुजा रूप में दर्शन दिया है, मैं शंख चक्र गदा पद्म और दो एक हाथ में दो हाथ में बंसुरी बजा रहे थे और दो हाथ में मक्खन खा रहे थे है। इसलिए उनको उन्होंने अष्टभुज रूप में दर्शन दिलाया, लेकिन दिला कर क्या बोले? बोले खबरदार, ये अवतार किसको बोलना नहीं, अगर बोलोगे ना चक्र देकर गला काट दूंगा। उन्होंने मना किया किसको बोलने के लिए। फिर उन्होंने और किसको दिखाया? बोले केशव काश्मीर को महाप्रभु ने कृपा करके उनको भी दर्शन दिया, लेकिन उनको भी बोले खबरदार जब तक जगत में मैं हूँ ये लीला कथा किसको बोलना नहीं। फिर और किसको दिखाए? बोले सार्वभौम भट्टाचार्य को उन्होंने षडभुज रूप में दर्शन दिया है, लेकिन दे करके फिर उनको क्या बोले? बोले खबरदार जब तक मैं जगत में हूँ ये बात किसको पास में प्रकाश नहीं करना, प्रकाश करोगे ना तो मार डालूंगा। इसलिए भगवान दिखाया तो है भक्तों को है, सनातन को भी उन्होंने रसराज महाभाव रूप में उनको भी दर्शन दिलाया, लेकिन सब जगह में उन्होंने मना कर दिया ये रूप किसको बोलना नहीं, राय रामानंद को दिखाया था, इसलिए सबको उन्होंने मना किया है, सबको उन्होंने मना किया। इसलिए ये श्लोक में कहते हैं त्यक्त्वा सुदस्तिज सुरेश मीद राज्य लक्ष्मी। इसलिए महाप्रभु ने क्या किया? कहते एक श्लोक को कहते एक में तो श्री राम अवतार में राम रूप में भी ये श्लोक को लोग साधारण रूप में व्यवहार करते हैं, लेकिन श्री विश्वनाथ कर्म ठाकुर महाप्रभु का भक्त लोग वो कहते हैं यद्यपि श्री राम रूप में लगता है लेकिन पूर्ण रूप में राम रूप में नहीं लगता। बोले क्यों नहीं लगता? कहते ये श्लोक में बताए, बोले त्यक्त्वा सुदिस्तज्य सुरेश पीत राज्य लक्ष्मी। जिन्होंने क्या किया? जो राज्य और लक्ष्मी को त्याग करना बड़ा ही कठिन है, बड़ा ही कठिन है, लेकिन उन्होंने क्या किया? बोले धर्मिष्ठ आर्य वसुचा जतगाधरण्यम। इन्होंने ऐसे श्री अपना पिताजी को रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए बरो वचन न जाए। इसलिए रघुकुल का ये रीति है, भले ही प्राण चले जाए लेकिन हमारी वचन जैसे कभी नष्ट नहीं होनी चाहिए। इसको पालन करने के लिए भगवान वर्जत पुरुषोत्तम श्री राम उन्होंने क्या किया? उन्होंने राज्य लक्ष्मी को उन्होंने परित्याग किया है, परित्याग दिया है। और माया मृगम, जब सीता माता जी ने बोले ये माया मृगों को हमें, ये मृग हिरणों को मेरे को पकड़ करके ला दो, देखो इसका सींग सोने में जैसे, चमड़ा सोने में जैसे बनी हुई, ऐसे तो कभी जिंदगी में हमें हिरण दिखाए हैं। इसलिए क्या करो, ऐसे माया मृगों को क्या करो, मेरे को पकड़ करके ला दो। कहते ऐसे श्री मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को हम प्रणाम करते हैं, ये एक रूप में। लेकिन इसको दूसरे रूप में कहते श्री चैतन्य महाप्रभु में ये श्लोक पूर्ण रूप में लगता है। बोले क्यों? बोले त्यक्त्वा सुदस्तज सुरेश पीत राज लक्ष्मी। कहते जिसने ये राज लक्ष्मी को जिसने त्याग दिया, रामचंद्र राज लक्ष्मी को कब त्याग दिया? राज्य को त्याग दिया, लक्ष्मी को थोड़ी त्याग दिया। इन्होंने तो अपना सीता को साथ में लेकर के उन्होंने जंगल में गए, तो इन्होंने राज्य लक्ष्मी को त्याग कर दिया, उन्होंने त्याग दिया ही नहीं। लेकिन राज्य लक्ष्मी को अगर त्याग दिया महाप्रभु, किसको त्याग दिया? विष्णु प्रिया को। महाप्रभु ने अपना विष्णु प्रिया को, जिसको त्याग देना बड़ा कठिन है, लेकिन महाप्रभु श्री नवद्वीप धाम और श्री विष्णु प्रिया को उन्होंने त्याग दिया है। और उन्होंने क्या किया? बोले श्री माया मृगम दैत ईप्सितमन्वधावत। कहते माया मृगम, एक रूप में तो
किसमें लगा? बोले भगवान राम रूप में लगा। लेकिन यहाँ पर माया मृगम मतलब क्या है? कहते मृगम मरीचिका होता है ना, है मृगम मरीचिका में हिरण क्या करता है? दिखता है दूर से, जैसे जब जब रेगिस्तान में रेगिस्तान में जब बालू तप जाती है, दूर से लगता है जैसे पानी पानी, हिरणों को जैसे लगता है ये पानी है, लेकिन वो पानी है नहीं, वो पानी है नहीं, हिरण भागता है पानी पीने के लिए, लेकिन वहां पर जा करके देखता है ना पानी है नहीं, फिर दूर से दिखता है एकदम नील नील रंग की है, जैसे पानी है, जैसे दिख रहा है, फिर भागता है और भागते 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 अंतिम में जाकर के अपना प्राण त्याग दे देता है। कहते उसी तरह ये जो संसार है ये माया मृग मरीचिका, जैसे लगता है जैसे संसार में सुख मिलेगा, है सुख मिलेगा संसार में, शायद लिखाई पढ़ाई करने पर सुख मिलेगा, लिखाई पढ़ाई कर लिया, शायद नौकरी अगर एक नौकरी मिल जाए ना सुख मिलेगा, तभी सुख नहीं मिला, नौकरी कर लिया उसके बाद में क्या सोचता है? शायद शादी करने पर सुख मिलेगा, पर शादी कर लिया सुख नहीं मिला, बोले शायद बेटा बेटियों को जन्म देंगे ना तभी सुख मिलेगा, उनको भी जन्म दे दे तभी नहीं मिला, बोले शायद इनको शादी करा देना फिर शायद सुख मिलेगा, उनको भी शादी करवा दिया, बोले शायद नाती पोतियों का मुंह देखने से सुख मिलेगा, कैलाश जैसे है, कैलाश जैसे थोड़ी सी नाती पोतियों का मुंह देख करके जाऊंगी, बस लास्ट में शरीर छोड़ गया और उनको चिंतन करते करते मरा तो क्या बना? उसी घर में कुत्ते होकर के आया, फिर उसी घर में बैल बन करके आया, फिर जहाँ पर बच्चे टांटी करते थे वहां पर कीड़े बन करके आया, फिर वहां पर सर्प बन करके है, जहाँ पर उसने पैसा रखा था उसको सर्प सांप बन करके वहीं पर बैठा रहता था, है किसको फटकने नहीं देगा, लेकिन अपना बेटा आकर जब कमर को तोड़ दिया ना, है कमर तोड़ दिया, नारद जी ने कहा भजन करोगे और भजन करोगे? बोले अभी भजन करूंगा, ये लड़कों को पीछे है मैंने चार चार जन्म इसको पीछे भटक गया, इसको स्वयं सुधार नहीं पाया है, इसको मैं सुधार नहीं पाया है, इसलिए अभी मैं भजन करूंगा, इसलिए कहते उसी तरह माया मृगम जैसे हिरण दूर से दिखता है पानी पानी, उसी तरह संसार में लोग कहते हैं, कहते सुख किसको मानते हैं संसार में? जो सुख है मानते हैं किसको सुख? बोले दुख प्रतिकार को ही सुख मानते हैं, जीवन में संसार में सुख नहीं मिलती है, केवल दुख का प्रतिकार को सुख मानते हैं, मतलब शायद ये हो जाने पर सुख मिलेगा, शादी हो जाने पर सुख मिलेगा, बच्चे हो जाने पर सुख मिलेगा, बच्चे को अगर लिखा पढ़ा सिखा दिया तब सुख मिलेगा, दुकान मकान मिल कर देने पर सुख मिलेगा, मिलेगा करते 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 जिंदगी खत्म, जिंदगी खत्म समाप्त, जीवन में सुख मिला नहीं बल्कि दुख। बोले संसार में तो सुख तो है ना, संसार में तो तभी तो सुख है, सुख है कि नहीं बताओ, संसार में सुख है कि नहीं, है कि नहीं सुख है, संसार में सुख है, लेकिन जो सुख है श्री जगदानंद पंडित प्रेम विवर्त में कहते हैं, बोले संसार में सुख कैसे है? बोले दंड जने राजा देना नदी चुभा, उन्होंने जो उदाहरण दिया है संसार में सुख कैसे है, कहते पहले पहले लोग क्या करते थे, जब कोई लोग कोई पाप कर्म करते तो उनको दंड कैसे देते थे? कहते थे उसको पानी में ले जाओ, पानी में लेकर इसको पकड़ो, गले को पकड़ करके उसको पानी में डुबो, है उसको पानी में डुबाया करते थे, जब छटपट छटपट कितना एक मिनट दो मिनट रहेगा उसको तो ज्यादा नहीं रह सकता, पर छटपट 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 करने लगे, जब प्राण छूटने वाला था ना, जब प्राण छूटने वाले थोड़ी सी ऊपर उठा देंगे, थोड़ी सी उसको ऊपर उठा देंगे, बोले क्यों? फिर सोचेगा बच गया, बोले उसको ऊपर क्यों उठाए, कारण है उसने जो पाप कर्म किया है देखा, और अगर थोड़ी समय रख लूंगा ना मर जाएगा, तो जो उसने पाप कर्म किया उसका भोग उसको भोगा नहीं होगा, उसको संपूर्ण उसका फल भोगेगा नहीं, इसलिए उसको थोड़ी सी ऊपर उठा दिया, इसलिए थोड़ी सी उठाया, वो सोचता है बच गया, नहीं बच गया तेरे को और दोबारा डुबोएंगे, दोबारा संसार में डुबोएंगे। कहते माया इसलिए बीच बीच में सुख दे देती है, बोले क्यों बीच बीच में सुख देती है? कारण है कहते अगर ज्यादा दुख देगा ना तो प्राण त्याग देगा, लेकिन प्राण त्याग देगा तो शरीर मिला क्यों, ये शरीर क्यों मिला, कारण क्यों?
शरीर मिला क्यों? इसलिए मिला पूर्व जन्म का कर्म को भोगने के लिए शरीर मिला है। अगर ये मर गया तो फिर उसका कर्म फल भोग नहीं पाएगा। इसलिए माया क्या करती है, बीच बीच में थोड़ी थोड़ी उसको आनंद दे देता है, उसका आनंद, लेकिन आनंद इसलिए नहीं देता, उसको फिर और दुख देने के लिए थोड़ी सी उसको आनंद देता है। इसलिए ऐसे जो माया मृगम दैत ईप्सित अन्न धावत, ऐसे जो माया मरीचिका को पीछे जो जीव भाग रहे हैं सुख पाने के लिए, जो भाग रहे भाग रहे, इसलिए महाप्रभु ने क्या किया, उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। संन्यास ग्रहण करके क्या किया, इसलिए भक्तिमय ठाकुर कहते हैं ना, जीव जाग गोरा चांद बोले कत निद्रा जाओ माया पिसाची रखो दे, अजीब बोली आए से संसार बितारे, बोलिया रही ले तुम्हें अविद्यार मोरे, तुम्हारे लई ते आमी आइनो अवतार, आमी भाई ना बंधु बोलो के आचे तुम्हार, एने छे औषधी माया ना सिवार लागी, हरि नाम महामंत्र लह तुम्हें मागी। इसलिए कहते जीव जागो गोरा चांद बोले, इसलिए महाप्रभु क्या कर रहे हैं, ये संसार रूपी दुख में जो संतप्त तो हो रहे, जो दुखी हो रहे हैं, महाप्रभु क्या करते, जीव को पीछे पीछे दौड़ते, बोले जीव जागो भैया जगो, बोले जगे तो हुए हैं, बोले नहीं तुम सोए हुए हो, तो सोए हुए, बोले किस चीज में सोए हुए, बोले माया पिशाची रखो ले, माया पिशाची गोद में सोए हुए हो, हैं इसलिए जगो। बोले संसार में आया था क्यों, बोले भजन करने के लिए आया था, भगवान ने पास में क्या वायदा किया था, जब मातृ गर्भ में जो दुख कष्ट मिला, इतने जो दुख उसने वायदा तुमने क्या किया था, प्रभु एक बार जन्म दे दो, कभी भी ये झूठे संसार में हम फंसूंगा नहीं, यही बोल करके आए थे ना, लेकिन यहाँ पर आकर के अगर थोड़ा भजन के बोले समय कहाँ है, अगर थोड़ा माला कर बोले समय कहाँ है, समय कहाँ है भजन के लिए, समय कहाँ है, जिसके लिए आए थे उसको तो पीछे रख दिया, और जो नहीं करने के लिए आए थे उसमें लग गए, जो करने के लिए आए थे उसको पीछे छोड़ दिए। इसलिए कहते महाप्रभु क्या कहे, बोले एने ची औषधि माया नासीवार लागी, कहते माया को नाश करने के लिए मैंने दवा लाया है, बोले कौन सा दवा, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम जोर से बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, और जोर से एक बार बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए भक्ति विनोद प्रभु चरण बढ़िया सही हरि नाम मंत्र, बस यहाँ पर इस श्लोक में ऐसे जो श्री चैतन्य महाप्रभु जो जीव को पीछे जो दौड़ रहे हैं, जीव एक बार मेरे तरफ में झांक करके देखो, एक बार हरि नाम करो, बस हरि नाम करोगे तो मैं क्या करूंगा, तुमको अपना धाम में ले जाऊंगा। ऐसे जो श्री चैतन्य महाप्रभु, हम क्या करते हैं, ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु का चरण में हम सब के सब प्रणाम, उनके चरण में प्रणाम करते हैं, उनके चरण में है। इसलिए यहाँ पर कहते जो कलयुग है, ये जो चैतन्य महाप्रभु का अवतार है वो साधारण अवतार नहीं है, ये अवतार को क्या बताया, धन्य अवतार, धन्य जो युग है ये धन्य कलयुग, ये धन्य कलयुग, क्यों धन्य कलयुग, ये ब्रह्मा का एक दिन में एक बार ये कलयुग आता है, हैं हम आगे जाकर के सुनेंगे, एक बार में ये एक बार आता है, महाप्रभु हर कलयुग में नहीं आते, कितने बाद में आते हैं बोलो, कितने दिन के बाद में आते हैं, बोले एक
1000 चतुर्युग बीतने पर तब महाप्रभु जगत में एक बार आते हैं। बोले कलयुग का परमा कितना है? 4,32,000 साल। बोले द्वापर युग का 8,64,000। तृतीया युग का 12,00,000। बोलो जोर से 32 32 32 कितना होगा? 96 है, इसलिए 12,96,000। और सत्ययुग कितना हो गया? 16,00,000। बोलो 16,00,000। 17,00,000 28,00,000 28,00,000। हाँ, इसको पूरा का पूरा ऐसे अब उसको पूरा का पूरा मिलाओ, हैं पूरा का पूरा मिलकर जितना होगा, कहते ऐसे 1000 बार चतुर्युग, ऐसे जब 1000 बार इसको एक चतुर्युग पूरा मिला हो जाएगा, 1000 बार चतुर्युग बीतने के बाद एक बार इस जगत में महाप्रभु आते हैं। इसलिए कलयुग को धन्य कलयुग बताया। इसलिए भक्तिमान ठाकुर क्या क्या कहते हैं के जाबी के जाबी रे भाई भाव सिंधु पार तोरा के जाबी के जाबी रे भाई भाव सिंधु पार धन काली जोगे रजई धन आबता जावे भव पार तोरा के जाबे जाबे धन्य कलिजुगर चैतन्य अवतार। ये धन्य कलिजुगर श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतार। इसलिए यहाँ पर ये बात को बता रहे हैं, ये कलिजुग कितने सौभाग्य में है, कितने सौभाग्य में ये कलिजुग आया है। ये कलिजुग में बोले कली सभा जयंतार्ज्या गुण क्या सार भागिना जत्र संकीर्तन नैव सर्वस्वार्थ अपि लभ्यते। इसलिए ये कलिजुग के लिए बताते थे, कहते हे राजन इसी कलिजुग में एकमात्र हरि का नाम संकीर्तन द्वारा सर्व जुगर सर्व बीत पुरुषार्थ लाभ है। बोलिया गुणों का अर्जगण ए जुगर प्रशंसा करिया था के है? कहते हैं जो बड़े बड़े साधु लोग ये कलिजुग को बड़ा प्रशंसा करते हैं। बोले क्यों प्रशंसा करते हैं? बोले कारण है जत्र संकीर्तन नैव सर्वस्वार्थ अभिलभ्यते। केवल कलयुग में ये हरिनाम संकीर्तन के द्वारा जीव का सब कुछ प्राप्त होगा। जो व्यक्ति सत्ययुग में जो ध्यान को द्वारा जो वस्तु को प्राप्त करते थे, तृतीया युग में यज्ञ को द्वारा जो वस्तु प्राप्त करते थे, द्वापर युग में अर्चन को द्वारा जो वस्तु प्राप्त करते थे, कलियुग में कलियुग का जो जीव है वो केवल हरिनाम संकीर्तन के द्वारा ही ये सब कुछ संकीर्तन के द्वारा प्राप्त करे। इसलिए ये कलियुग को बड़े बड़े महापुरुष लोग बड़े इसकी प्रशंसा करते रहते हैं, हैं? तो यहाँ पर श्री विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं 4 युग में सर्वश्रेष्ठ युग कौन सा? बोले कलियुग है। बोले कलियुग कैसे सर्वश्रेष्ठ? क्योंकि कारण क्या? बोले कलयुग में तो दोष ही दोष है, कलयुग में तो दोष ही दोष, पर इसमें कलयुग का श्रेष्ठ क्यों? बोले कारण इसलिए श्रेष्ठ है, ये कलयुग में सत्य त्रेता द्वापर युग के हैं, इसको द्वारा जो वस्तु प्राप्त करते थे कलयुग में हरिनाम संकीर्तन के द्वारा सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। देखो एक स्टोरी सुना, ध्यान देकर ये स्टोरी को याद रखना सबसे। बोले एक समय अभी सत्य त्रेता द्वापर युग बीत गया, सत्य युग ने अपना सिंहासन में बैठ करके राजत्व किया, त्रेता युग ने सिंहासन में बैठ कर राजत्व किया, द्वापर युग भी बैठ करके राजत्व किया है। अभी कलि युग आया, कलि युग में अभी कलि महाराज
कौन है ये कलयुग में महाराज? कौन है? कली महाराज अभी सिंहासन में बैठ करके अपना राज्य तो कर रहे हैं। जब कर रहे थे एक समय सत्य त्रेता द्वापर ये तीन जो युग लोगों ने है, इन लोग छोटे कलयुग छोटे भाई, ये सबके सब बड़े भाई है, है? पृथ्वी वृंद कलयुग की सब आंख खोल कर बैठो, कोई आंख बंद कर मत ना बैठो, सब आंख खोल कर बैठो। इसलिए हरे कृष्णा, इसलिए नियम है आंखों को द्वारा पान करनी चाहिए, आंखों को द्वारा, नहीं तो आंख बंद करके तो ज्यादा ध्यान लग जाए, फिर पूरा ध्यान लग जाए। इसलिए अभी कलयुग आ गया ना, इसलिए कली से सावधान रहो। अभी कलयुग, अभी कलयुग राज्य तो कर रहा है, सबसे छोटा भाई राज सिंहासन में बैठ कर राज्य तो कर रहा है। अभी ये तीनों भाइयों ने देखा सत्य त्रेता द्वापर, बोले भैया हम लोग भी तो राज्य तो किया है, हैं? लेकिन अभी जा करके देखते हैं हमारे सबसे छोटे भाई राज्य तो कर रहा है, वो कैसे राज्य तो कर रहे हैं, चलो हम तीनों जाकर के मिल करके आते हैं। तीनों आए मिलने के लिए, वहां पर दरवान था, दरवान से पूछे कलयुग है? बोले हाँ। बोले उनको जाकर खबर दो आपके सबसे है, आपके जो तीनों बड़े भैया आपसे मिलने के लिए चाहते हैं, अब आदेश दिया जाए। जो कली को जाकर के बताए, तीनों व्यक्ति आए अपना परिचय दे रहे हैं, आपका ये तीनों बड़े भाई है सत्य त्रेता द्वापर, आपसे मिलना चाहते हैं, क्या इजाजत है? उनका आदेश है। सुनते ही तो कलयुग बहुत बिगड़ गया, बोले जाओ उनको बोल दो, बोल देना कलयुग के पास में कोई समय नहीं तुम लोगों से मिलने के लिए। जब आकर कलयुग को बोले, कलयुग को बोले भैया हम बड़े दूर से आए हैं, उनके बड़े तीनों भाई लगते हैं, हम तीनों बड़े भैया लगते हैं, हम ज्यादा कोई बात बात नहीं करेंगे, उनसे जा करके बोलो है, केवल आंखों से आंखों मिला करके चले जाए। फिर जा करके बोले ये तीनों कहते हैं ज्यादा कोई बात नहीं करेंगे, आंखों से आंख केवल मिला करके चले जाए। इतना बोलते कलयुग तो और बिगड़ गया, बोले उनका मुंह तक भी मैं देखना नहीं चाहता हूँ, उनका मुंह तक भी देखना नहीं चाहता हूँ। जब तीनों भाई ने सुना, बोले भैया हमने इसे क्या काम कर दिया, हम बड़े भाई इतना दूर से मिलने के लिए आए, कहते हमारा मुंह तक भी नहीं देखना चाहते। बोले भैया और एक बार जा करके बोलो, बोले एक बार केवल मिलना चाहते, कोई बात नहीं करके। बहुत बोलने पर, प्रार्थना करने पर कलयुग ने आदेश दिया, बोले ठीक है उनको बुलाया जाए। जब बुला कर ले गए ना, इतने में जो बड़े भाई था, बड़े भाई कौन है? सत्यजू। उनने तो सत्यजू को बड़े डांट लगाया, बोले आप भी आए राजो तो किया, लेकिन लोगों का कल्याण किया क्या, बताओ क्या कल्याण किया? इतने तपस्या, बिना खाए पिए आग बंद करके, कहीं टांग ऊंचा करके, सर नीचा करके, कोई कोई चारी तरफ में आग जला करके है, एक अंगूठा के ऊपर खड़े होकर के बिना खाए पिए इतने कठोर आपने तपस्या करवाया लोगों, केवल कष्ट कष्ट ही दिया। लेकिन कष्ट करने के बाद मिला क्या उनको? उनको मिला भी तो मिला क्या है? जैसे हिरण्यकश्यप ने एक प्यार अंगूठा में खड़े होकर तपस्या 60,000 साल, तो मिला क्या उसको है? इतना साल तपस्या करके उसको मिला क्या? कुछ भी नहीं मिला है। बोले दिन में नहीं मरूंगा, रात में नहीं मरूंगा, आकाश में नहीं, भूमि में नहीं, कभी नहीं। और भगवान मार डाल उसको, मार डाल उसको भगवान। इसलिए तुमने लोगों को अठहर तपस्या तो करवाया लोगों को, अगर दिया भी ना है, सत्ययुग में कहां तक स्थान दे दिया? अगर कोई शुद्ध भक्ति किया, लोग कहां तक स्थान दिया उनको? ज्यादा से ज्यादा वैकुंठ तक स्थान मिला है, इतना नहीं तो किसको मुक्ति, किसको मुक्ति धाम में स्थान दिया, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा उनको वैकुंठ तक, और कुछ नहीं दिया आपने। इसलिए आपको पर में बिगड़ा हुआ था, इसलिए आपको मिलने नहीं चाह रहा था। त्रेता युग में एक बड़े डांट लगाया, बोले आपने क्या किया? त्रेता जजत मघे, त्रेता युग का युग धर्म था यज्ञ, रोज रोज यज्ञ करो, एक यज्ञ करने के लिए पता नहीं कितने पैसा खर्चा हो जाता है एक यज्ञ करने के लिए। आपने क्या किया? यज्ञ करवाए। फिर देखो यज्ञ के पास में बैठो ना, जब यज्ञ में आहुति दो उसमें क्या होता है, आग की लपेटा निकलती है, फिर धुआं निकलता है। कभी यज्ञ को बैठे हो, कभी यज्ञ के पास में बैठना कभी कभी कठिन होता है, हैं? बैठना कठिन होता है। रोज रोज यज्ञ करो, और इतने घी, इतने सामग्री, फिर क्या
लकड़ी, किसकी लकड़ी? चंदन की लकड़ी लाओ, हवन सामग्री लाओ, धूप लाओ, दीप लाओ, लाओ लाओ लाओ, इतना है, इतना परिश्रम लोगों कराया, लेकिन परिश्रम करा के क्या दिया आपने? क्या उनको कुछ नहीं दिया है? अगर कोई, अगर राम की अगर कोई भक्ति किया होगा तो कहीं मुक्ति दे दिया, नहीं तो राम का भक्ति को अयोध्या दे दिए होंगे, है, बड़ा कठोर परिश्रम करेंगे। द्वापर युग बोले, अब भी द्वापर युग में आए, कहते द्वापर परिचर्या, द्वापर युग में धर्म परिचर्या लाओ, रोज रोज पंचामृत लाओ, है, दूध घी दही शक्कर शहद लाओ, धूप दीप अगुर कर्पूर चंदन फूल है लाओ लाओ, कितने भगवान की अर्चन के लिए ये लाओ, षोडश उपचार में पुरुष तो पता नहीं इतने पैसा खर्चा करके ठाकुर का अर्चन से बाबू जी आपने करवाया, इतना परिश्रम लोगों को करवाया, लेकिन दिया तो क्या दिया आपने? कहीं मुक्ति भुक्ति कहीं इधर उधर चीज दे दिया, थोड़ी देख रहे भगा दिया। कलिजुग ने कहा देखो अभी मैं कलिजुग आया, मैं कलिजुग राज तो कर रहा हूँ, कलिजुग में कोई तपस्या करने का कोई जरूरत नहीं, इतने कठोर जप तप करने का जरूरत नहीं, रोज यज्ञ भज्ञ करने का कोई जरूरत नहीं, कलिजुग में अर्चना पूजा करने का जरूरत नहीं, कलिजुग में क्या करो, केवल थोड़ी सी हरिनाम संकीर्तन कर लो। महाप्रभु तो यहाँ तक कहते हैं अगर मृदंग मंजिरा नहीं रहेगा ना, बस केवल करताल, थोड़ी सी कर और ताल, करताल मतलब कर और ताल है, बस केवल करताल बजाते हुए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो कष्ट हुआ है क्या? इसमें कोई कलयुग का जो साधन है तब वे बड़ दिया ना, बड़ प्रतीक हो, एक बड़ प्रतीक जली है, हाँ बड़ दीपट है, इसलिए कहते जो कलयुग का, कहते क्यों कलयुग को बड़े बड़े ज्ञानी लोग, बड़े बड़े बुद्धिमान लोग कलयुग को क्यों प्रशंसा करते हैं? बोले कारण है, बोले जत्र संकीर्तन नैव सर्वत सर्व अर्थ अभी लभ्यते, केवल संकीर्तन के द्वारा कलयुग में क्या करेंगे? बोले योग तपस्या ध्यान ज्ञान को द्वारा जो वस्तु प्राप्त करते थे सत्य त्रेता द्वापर युग में है, योग यज्ञ और अर्चना पूजा को द्वारा जो वस्तु प्राप्त करते थे कलयुग में केवल हरिनाम संकीर्तन से उतना नहीं, कलयुग केवल हरिनाम संकीर्तन उससे भी श्रेष्ठ वस्तुओं को प्राप्त करेंगे, उससे भी श्रेष्ठ वस्तुओं को कलयुग में प्राप्त होगा। बोले कौन सा वस्तु? इसलिए है कहते हैं ना, शिव वीर ए मन गौरंग बिना नहीं यार, ए मन गौर बिना नहीं यार, ए मन गौर बिना नहीं यार, अरे ना अवतार अबे की होए के ए न प्रेम पर चार, ए मन गौर बिना नहीं यार, ब्रह्मा जी चिर वांछित जे प्रेम जगते फैली लगाली, कंगाल काया खाई ना जिया का जाया करताली, ए मन गौर बिना नहीं यार, अवतार अबे की होए जे हे न प्रेम पर चार। यहाँ पर कह रहे हैं ब्रह्मा शंकर नारद जो प्रेम को पाने के लिए कठोर तपस्या की,
कलयुग में महाप्रभु कैसे दिया, बोले बजा या करताली, बोले करताल बजाने पर और जगत फलीला ढाली, उसको उन्होंने प्रेम को उन्होंने उड़ाल दिया, प्रेम में उन्होंने उड़ाल दिया। इसलिए कहते हैं अवध करुणा सिंधु कटिया मोहना, घर घर बोले प्रेम हरी आरवाना, लोचन बोले मोर नीतर देवना बसीला, जनिया सुनिया से आत्मघाती है। इसलिए कहते अवध करुणा सिंधु कटिया मोहन, प्रेम एक तरफ में एक बांध बंधा हुआ, एक तरफ में प्रेम था, लेकिन नित्यानंद वो क्या किया, उसको काट दिए। काट दिया तो इतने तेजी से आई वो पहाड़, वो प्रेम इतना तेजी से आई नवद्वीप से, पूरा विश्व ब्रह्मांड को उन्होंने डुबा दिया, सारा विश्व ब्रह्मांड को उन्होंने डुबा दिया। और गांव गांव में पहुंच गया, कौन सा गांव में पहुंच गया, बोले पोलो को नाम में भी पहुंच गया। और तुम्हारे गाँव में कौन सा गाँव बोलो, केंद्रापड़ा पहुंच गया पंजाब में पहुंच गया, तुम्हारे गाँव गंजाम। इसलिए कहते ये जो बाहर है ना, कहीं किसको उन्होंने ये बाहर किसको छोड़ा नहीं, जय जगन्नाथ महाप्रभु की, बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चक्र की। इसलिए कहते ये बाहर सब जगह में पहुंच गया, ये बाहर किसको छोड़ा नहीं, वायरस पहुंच गया। इसलिए कहती है सब जगह में पहुंच करके सबको पकड़ करके है श्री जगन्नाथपुरी ले आए, श्री जगन्नाथपुरी ले आए। इसलिए कहते हैं ये कलयुग को बड़े बड़े विद्वान लोग कलयुग को प्रशंसा करते हैं, केवल हरिनाम संकीर्तन से है, केवल हरिनाम संकीर्तन से। कहते हैं नाम प्रेम माला गाते दिला जग जने, महाप्रभु ने क्या किया, एक हरि नाम की माला बना करके सभी की गला में एक एक माला को उन्होंने पहना दिया, उनको सबको उन्होंने पहना दिया है। इसलिए और इसी हरि नाम के द्वारा ब्रज प्रेम की है, राधा रानी निकुंज सेवा की और स्वतदेव महाप्रभु धाम की सेवा को ये हरि नाम के द्वारा इतने दुर्लभ वस्तु को उन्होंने प्रदान किया है। इसलिए बोले प्राण पृष्ठ सखी कुलादपि किल असों चके भूमि भूमिका। इसलिए कहते महाप्रभु ने जो प्रेम दिया है ना, कहते जिस सेवा को बड़े बड़े सखियां भी, कहते ललिता विशाखा आदि सखियां भी जिस सेवा के लिए तरसती हैं, हैं जो राधा रानी निकुंज की सेवा के लिए तरसती हैं, वो सेवा केवल महाप्रभु के अनुगत्य में और श्री चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी के अनुगत्य में भजन करने पर वो दुर्लभ प्रेम को दिया। इसलिए कलयुग को बड़े बड़े देवता लोग कलयुग में ये मानव शरीर पा करके सत्य त्रेता द्वापर युग का लोग भी ये कलयुग में मानव शरीर धारण करते हुए भारत वर्ष में जन्म लेकर के ये महाप्रभु को धारा में जुड़ना चाहते हैं। इसलिए हम लोग बड़े सौभाग्यवान हैं, क्योंकि हम भी गुरु वैष्णव कृपा करके हमें भी अपना श्री चरण में स्थान दिया, महाप्रभु धारा में हमें स्थान दिया। बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि की, बोले श्री चैतन्य महाप्रभु की, नित्यानंद प्रभु की, बोले श्री गुरुपाद पद्म की, बोले प्रभुपाद की, सपरिकर गौर हरि की, हिताई गौर ब्रह्मानंदे। अरे तो टाइम हो गया, दिया जला दो, लाइट बंद कर दो, अभी तो लाइट वहां से बंद होगा ना, यहीं से बंद कर दो, सब यहीं से लाइट बंद करते, सब बिल्डिंग में लाइट बंद करते, गौरी मठ वाले मान देंगे। हरे कृष्णा।
दीपक जलाओ कौन कर माँ भीगा लो है गला सत्तावन अठावन आठ अठावन ग्राम से सर्दी में टच ना नहीं तमें तमें का ठीक है सब भूल लो हाँ इसको बंद करो से लाइट बंद करो जो दलाओ कौन कर चो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु निजानंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम बरपुर लगा राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे बोलो तो कृष्ण कृष्ण हरे हरे Yeah.
Oh, my God.